हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नया अपेंडिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन जो है फाइनली रिलीज कर दिया गया है इसके ऑफिशियल साइट पे। और ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक की तरफ से रिलीज किया गया। तो सारा जानेंगे फुल प्रोसेस, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या है, स्टाइपेंड आपको कितना दिया जाएगा, कहाँ पे आपको पोस्ट किया जाएगा और कितना ड्यूरेशन के लिए आपको अपेंडिसशिप के तौर पे रखा जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ में मेरिट वगैरह आपको वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं और इसका एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ करके लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक करिएगा तो सीधे आपका जो एडवर्टाइजमेंट वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए ये जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए अभी हम इसके ऑफिशियल साइट पे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक के, और इसके ऑफिशियल साइट पे जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से भी आप इसका ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीधे हम चलते हैं अभी इसके ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है भर्ती के रिगार्डिंग उस पर चलते हैं और सारा प्रोसेस क्या है क्या नहीं है सारा देखने का और समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए हम इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे आ गए हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिसशिप अंडर द अपेंडिसशिप एक्ट अडेडमेंट एक्ट 1973। आप सभी जानते हैं कि हम टाइम टू टाइम आपको चाहे कोई भी अपेंडिसशिप हो, रेलवे का अपेंडिसशिप हो, DRDO, IOCL, ONGC, तमाम तरह के जितने भी अपेंडिसशिप रिलीज की जाती है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से, हम सभी का अपडेट आपको सबसे पहले देने का कोशिश करते हैं और अभी तक देते भी आए हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जितने भी नई भर्ती का नोटिस होगा या फिर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट होगा, ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट होगा या कोई बदलाव का अपेंडिसशिप का जो चेंजेस का टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक और उसके बाद ये आपका तेलंगाना राज्य से रिलीज किया गया है जिसका आपको इस्टेब्लिशमेंट नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर इन द इंजीनियरिंग पास आउट। कब का पास आउट इसमें मांगा गया है तो यहाँ पर देखिए नवंबर 19, 20, 21 और 22, मतलब 4 साल वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 19, 20, 21 और 22 वाले जो पास आउट हैं वो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं फॉर दी अंडरगोइंग 1 ईयर अपेंडिसशिप ट्रेनिंग अंडर दी अपेंडिसशिप अटेंडमेंट 1973 के तहत। नेक्स्ट आपका कैटेगरी यहाँ पे बात किया जाए, कैटेगरी ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन डिप्लोमा अपेंडिसशिप में आपको यहाँ पे टोटल बात करें तो 5 कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा। सबसे पहला आपका मैकेनिकल है, दूसरा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तीसरा आपका सिविल है, उसके बाद आपका CSE IT सेक्टर से है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। टोटल अगर सीट का बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको मैकेनिकल से देखने को मिलेगा 16 सीट, वहीं आपका इलेक्ट्रिकल से देखने को मिलेगा 8 और सिविल से आपको मिलेगा 5। वहीं अगर CSE IT सेक्टर से बात करें तो 6 सीट देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बात करें तो 5 सीट देखने को मिलेगा। वहीं अगर सेम आपका इसके करस्पॉन्डिंग अगर बात किया जाए टेक्नीशियन मतलब डिप्लोमा होल्डर को लिए तो मैकेनिकल में आपको 5 सीट मिलेगा और आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में 4 सीट मिलेगा, सिविल में भी आपको 4 सीट मिलेगा, CSE और IT सेक्टर में 4 सीट देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको 3 सीट मिलेगा। ग्रेजुएट की बात की है तो ग्रेजुएट में टोटल आपको 40 सीट पर अपेंडिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आया है और वहीं अगर टेक्नीशियन डिप्लोमा होल्डर के लिए बात करें तो 20 सीट पर आया है। तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रेजुएट वालों के लिए सीट जो है निकाला गया है। टोटल अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे आपको 60 सीट पे वैकेंसी आया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तरफ से। बात करें कि आपको मंथली स्टाइपेंड आपको कितना देखने को मिलेगा तो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो गवर्नमेंट का टर्म एंड कंडीशन रूल रेगुलेशन के तहत आपको यहाँ पे स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। फिर भी हम आपको एक एक्सपेक्टेड बता देते हैं कि आपका जो डिप्लोमा होल्डर है उसके लिए आपको 8,000 देखने को मिलेगा और जो ग्रेजुएट होल्डर है उसके लिए 9,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका इस मिनिमम इतना है, इससे आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा पर मैंने एक एक्सपेक्टेड बताया है कि एक्सपेक्टेड आपको इतना स्टाइपेंड मिल सकता है। हालांकि इसमें कुछ 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 ना कुछ तो जरूर प्लस होगा पर आपको हम मिनिमम एक वेजेस मान के चले हैं। वही अगर बात करें कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है तो ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन डिप्लोमा अपेंडिसशिप के लिए देख लीजिए कि ये डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय दी सैचुरेटेड यूनिवर्सिटी। दूसरी में अगर बात करेंगे कि ये डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन एम्पावर्ड टू ग्रांट सच डिग्री बाय एन अपेंडिसशिप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कि ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय ए स्टेट काउंसिल और टेक्निकल बोर्ड ऑफ
बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, जिस भी आपका ब्रांच से किया हुआ है। एज का बात करें तो एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा कि एज लिमिट विल बी फॉलो एट पर दी अपेंडिसिप रूल, जो भी अपेंडिसिप रूल के तहत आपका एज का यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। हालांकि जो एज का रिलैक्सेशन है STSC के लिए आपको 5 साल का देखने को मिलता है और OBC के लिए आपको 3 साल का देखने को मिलता है। अगर आप PWD के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल तक का छूट यहाँ पे अपने आपकी आयु में देखने को मिल सकता है। मिनिमम स्टैंडर्ड का बात करते हैं यहाँ पे, तो मिनिमम स्टैंडर्ड में आप देख सकते हैं कि एस प्रिस्क्राइब इन क्लास 4 ऑफ द अपेंडिसिप रूल 92 एंड अडेडमेंट ऑफ एनी, मतलब यहाँ पे कुछ भी क्लियरिफाई नहीं किया गया है, सारा आपको लिख दिया गया है कि गवर्नमेंट रूल के तहत आपको यहाँ पे किया जाएगा। ड्यूरेशन का बात करें कि कितना साल का आपका ड्यूरेशन है, तो देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग विल बी फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल का आपको यहाँ पे अपेंडिसिप का जो ट्रेनिंग है वो आपको दिया जाएगा। और प्रीवियस ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बारे में भी को बताया गया, जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। देखिए इसमें क्या बताया गया कि प्रीवियस ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगो और एनी करेंटली अंडरगो अपेंडिसिप अंडर द अपेंडिसिप एक्ट अटेंडमेंट एक्ट 1973 एंड आर हैविंग 1 ईयर और मोर एक्सपीरियंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कहने का क्या सीधा सीधा अर्थ है, जैसा हम हर एक अपेंडिसिप में आपको बताया जाता है, मैं भी बताता हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कहीं से अपेंडिसिप कर चुके हैं या फिर आप कर रहे हैं या फिर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसका फॉर्म सीधा सीधा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस का इसमें क्या रखा गया है, क्या प्रोसेस है यहाँ पे मेरिट वगैरह का। तो देखिए ओवरऑल प्रोविजनल रैंक लिस्टेड बेस्ड ऑन द मेरिट विल बी शेयर ऑन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक आफ्टर द कट ऑफ डेट, ठीक है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कैन बी डन बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक, और उसके बाद आपको BOIT SR विल बी कोऑर्डिनेट वर्चुअली फ्रॉम द ऑफिस होल डे टू असिस्ट ऑफ द डे ऑफ वेरिफिकेशन। इसमें आपको बोला गया है कि देखिए रैंक लिस्ट बेस्ड ऑन द मेरिट विल बी शेयर ऑन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक, ठीक है। जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो सीधा आपका जो आपका ओवरऑल परसेंटेज है, ओवरऑल मार्क्स है, उस पर डिपेंड करता है। उस सीधा सीधा जो आपका मेरिट है वो आपका ओवरऑल परसेंटेज ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक में होगा या फिर नहीं होगा। आपको अप्लाई कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग आपके ऑनलाइन साइट पर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं या फिर नहीं किए हैं तो कैसे करना है, और कर लिए हैं तो कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी एनरोल इन दी नेशनल वेब पोर्टल एंड हैविंग लॉगिन डिटेल, अगर आप वेब पोर्टल पे पहले से अपना ID प्रोफाइल बना के रखे हैं तो ये स्टेप के द्वारा आप वहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप नहीं बना है MHRD नेट्स पोर्टल पे, क्योंकि फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कोई एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे नहीं दिया गया है, आपको सीधे MHRD नेट्स पोर्टल पे जाके ही इसका फॉर्म जो है अप्लाई करना है। नहीं अगर बना है ID तो देखिए यहाँ पे सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। वहाँ पे अपना 100% प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद ही आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो अपेंडिसिप का फॉर्म है, चाहे आप ग्रेजुएट बेसिस पे हो या डिप्लोमा बेसिस पे, दोनों के लिए कंपलसरी है। चलिए अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि ट्रेवल एक्सपेंशन क्या आपको कंपनी देगी या फिर नहीं देगी, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है नो TADA, कोई भी आने जाने का खर्च आपको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि रहने खाने का भी यहाँ पे कोई भी बंदोबस्त कंपनी के तरफ से नहीं किया जाए, चाहे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए या ज्वाइनिंग के लिए जाइए, सारा आपको खुद के खर्चे पर खुद एक्सपेंस करना होगा सारा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स का बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट में बताया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट आपका 23 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, और वहीं अगर लास्ट डेट का बात करते हैं कि नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट आपको 30/9 रखा गया है, और लास्ट डेट फॉर दी अप्लाइंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडर के लिए 7 अक्टूबर से पहले आपको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट अगर डेट का बात करें कि हैंडलिंग ओवर द रैंक लिस्टेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक बाय आपका 11 अक्टूबर तक जो लिस्ट है वो आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर बात करें कि वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एट दी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक, जो आपको 19 अक्टूबर के आसपास देखने को मिलेगा। तो सारा डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, फॉर्म फिलअप से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग सारा डेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि ज्वाइनिंग का डेट भी आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग विल बी एस्टिमेटेड बाई दी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक, ठीक है। वो अभी यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया, वो आप
टाइम टू टाइम जब इसका अपडेट किया जाएगा तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक बात और भी बताया गया है कि इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट विल बी रिजेक्टेड। इनकम्प्लीट अगर होता है वहाँ पे आपका प्रोफाइल नेट्स पोर्टल पे, अगर उसके बावजूद आप अप्लाई कर सकते हो तो आपका फॉर्म जो है इजीली यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पहले आपको बता दिया गया। तो ये कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन था जो हम लोगों ने सारा कुछ कवर कर लिया। फिर भी अगर लगता है आपको कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। अगर आप पीजीसीएल का फॉर्म अप्लाई किए हो तो पीजीसीएल का आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट आ गया। टोटल आपका 5 रीजन से अभी तक मेरिट लिस्ट पब्लिक किया जा चुका है पीजीसीएल की तरफ से। ईस्टर्न रेलवे का न्यू अपेंडिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आपको अप्लाई करना है तो कल इसका फुल डिटेल के साथ वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि कल से इसका ऑनलाइन अप्लाई जो है शुरू हो जाएगा। अगर इसका डिटेल से वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो अगली मेरिट अगली ज्वाइनिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।